अब हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ेंगे, जो चैप्टर 4 है, उसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक में ये बताया गया है कि कैसे फाइबर से, रेशे से फैब्रिक कपड़े का निर्माण किया गया। प्राचीन काल में लोग जब कपड़ा नहीं पहनते थे, क्योंकि कपड़े के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी, तो किन चीज़ों से अपने शरीर को ढकते थे? कपड़ा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जीवन की तीन मुख्य आवश्यकताएं हैं, बेसिक नेसेसिटी है, वो भोजन है, वस्त्र है और आवास है। इसमें एक क्लॉथ है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो क्यों क्यों जरूरी है कपड़ा पहनना? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लॉथ? व्हाई क्लॉथेज आर इम्पोर्टेंट टू अस? क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है कपड़ा? तो कह रहे क्लॉथेज आर एज इम्पोर्टेंट एज फूड एंड शेल्टर। अरे वस्त्र हमारे लिए, कपड़ा हमारे लिए उतना ही उपयोगी है जितना भोजन और घर उपयोगी है। वी नीड फूड टू सर्वाइव एंड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेज। कह रहा है कपड़ा हमारे लिए, भोजन हमारे लिए जीवित रहने के लिए जरूरी है। भोजन बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। वी नीड ए हाउस टू लिव इन। उसी तरह हमें रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, घर की जरूरत होती है। लाइक वाइज वी नीड क्लॉथेस टू कवर आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्स वेदर कंडीशन। ठीक उसी तरह जिस तरह भोजन, आवास, उसी तरह वस्त्र हमारे लिए उपयोगी है, कपड़ा हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि कपड़े से हम अपने शरीर को ढकते हैं। क्या होता है, मौसम की जो काफी गर्मी होती है, काफी ठंड पड़ती है, बरसात होता है, इन सारे सीजन्स में कपड़ा हमारे शरीर की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस, डिफरेंट क्लॉथेज आर प्रेफर्ड इन डिफरेंट सीजन। कह रहा है कि जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में, आपने पिछले क्लास में, आपने क्लास 5 में आपने पढ़ा है कि अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के वस्त्र का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। पीपुल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वियर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथेज। कह रहा है दुनिया के अलग अलग देशों में पाए जाने वाले अलग अलग, दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग वस्त्र पहनने की परंपरा है। सभी जगह एक ही प्रकार के वस्त्र लोग नहीं पहनते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, क्या इतिहास है वस्त्र का? तो कह रहा है इन एंशियंट टाइम ह्यूमन बीइंग यूज लीव्स, बार्क ऑफ द ट्रीज, एनिमल स्किन एंड फर टू कवर देमसेल्व्स। प्राचीन काल में जब कपड़े का निर्माण नहीं होता था, नहीं हुआ था, उस सब सिलाई की परंपरा नहीं हुई थी, उस समय लोग अपने शरीर को ढकने के लिए पेड़ की पत्तियों का, पेड़ों की छालों का और जानवरों को मार करके उसका, उसके स्किन से लोग कपड़ा बना करके पूरे शरीर को ढक लेते थे। एंड फॉर टू कवर देमसेल्व्स, और चिड़ियों के पंख का भी इस्तेमाल लोग अपने शरीर को ढकने के लिए करते थे। इन दोज डेज वीविंग और स्टिचिंग वाज नॉट नोन टू द ह्यूमन बीइंग। कह रहे उस समय प्राचीन काल में लोगों को कपड़े की सिलाई करने का ज्ञान नहीं था, इसलिए लोग क्या करते थे, इट इज बिलीव्ड दैट नीडल वाज मेड फ्रॉम बोन्स अराउंड 40,000 ईयर एगो। जैसा कि अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 40,000 वर्ष पहले सुई का आविष्कार किया गया, पहली सुई जो बनाई गई वो हड्डियों से बनी हुई सुई थी। ग्रेजुअली मैन लर्न टू वीव लॉन्ग ग्रासेस लीव्स एंड ट्विग्स टू मेक क्लॉथेज। धीरे धीरे जो जो सुई का आविष्कार हुआ, जो हड्डी की सुइयां बनी, उससे इंसान क्या किया, उससे या घास को आपस में जोड़ देता था, और क्या करता था, पत्तियों को आपस में जोड़ देता था, बड़े बड़े पत्ते को आपस में जोड़ करके और अपने शरीर को ढक लेता था। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू द कल्टीवेशन ऑफ द फाइबर प्लांट। लेकिन जब कृषि का आविष्कार हुआ, लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, कृषि का आविष्कार हुआ, तो बड़े पैमाने पर फाइबर प्लांट उगाए जाने लगे। The रेडीमेड क्लॉथिंग इंडस्ट्री बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन।
19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति के समय ही क्या हुआ, रेडीमेड वस्त्रों का निर्माण होने लगा। इंग्लैंड में 19वीं सदी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जिसके कारण बड़े पैमाने पर रेडीमेड वस्त्रों का निर्माण शुरू हुआ। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ फ्लाइंग शटल बाय जॉन के एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया गया, सीविंग मशीन का इसका इस्तेमाल किया गया। द डिमांड फॉर कॉटन यार्न ने इसकी इंक्रीज्ड, और कॉटन की मांग, कॉटन के कपड़े बनाए जाने लगे। ऑल्दो वेस्टर्न क्लॉथिंग गेन पॉपुलरिटी इंडिया ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, कराए फिर भी यद्यपि 19वीं सदी में फ्लाइंग शटल का जॉन के द्वारा आविष्कार करने पर वस्त्रों का निर्माण, रेडीमेड वस्त्रों का निर्माण शुरू हुआ, फिर भी 20वीं सदी में आकर के भारत में क्या हुआ, 20वीं सदी में आकर के भारत में लोग सिले सिलाए वस्त्र पहनने लगे। बट इवन टूडे पीपुल वियर साड़ी, पर आज भी हिंदुस्तान में लोग साड़ी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, पाग बांधते हैं, टर्बाइन पाग बांधते हैं। ये सब स्टिच सिलाई नहीं किया जाता है, ये सब कपड़े ही पहने जाते हैं। नाउ डेज वी फाइंड ए लार्ज वैरायटी ऑफ फैब्रिक एंड क्लॉथिंग मटेरियल, आजकल अनेक प्रकार के फाइबरस प्लांट है, अनेक प्रकार के एनिमल फाइबर है जिनके द्वारा वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। और आधुनिक समय में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे वस्त्रों का, ब्लेंडेड फैब्रिक का, मिश्रित कपड़े का निर्माण किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक। जैसा कि हम शुरू में ही बताया है कि फाइबर कहते हैं रेशे को, फैब्रिक कहते हैं परिधान को, वस्त्र को, पोशाक को। तब हम लोग पढ़ेंगे फाइबर इज ए थीन थ्रेड लाइक ए स्ट्रैंड फ्रॉम विच यार्न आर मेड, फाइबर एकदम पतली धागे की जैसी लरी होती है जिससे यार्न बनाए जाते हैं। यार्न इज कंटिन्यूअस स्ट्रैंड ऑफ द ट्विस्टेड थ्रेड ऑफ द फाइबर दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स। यार्न क्या होता है, एक कंटिन्यूअस लरी होती है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, और ये प्लांट से भी सोर्स से भी आता है और एनिमल सोर्स से भी आता है। द मटेरियल दैट वी यूज फॉर मेकिंग ए क्लॉथ इज कॉल्ड फैब्रिक, वैसे मटेरियल जिनका इस्तेमाल हम वस्त्र बनाने के लिए करते हैं उसे हम फाइबर कहते हैं। इट इज मेड बाय वीविंग और नीटिंग यार्न सच एज कॉटन, सिल्क और ऊन, और आजकल के बुनाई करके, वीविंग और नीटिंग करके, बुन करके अनेक प्रकार के वस्त्र, कॉटन के वस्त्र, सिल्क के वस्त्र, उलेन वस्त्र, अनेक प्रकार के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फाइबर कितने तरह के होते हैं। तो फाइबर एक्चुअली दो तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर और मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर, दो तरह के होते हैं। नेचुरल फाइबर जो प्लांट और एनिमल से आता है, जबकि सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर को केमिकल्स के द्वारा बनाया जाता है। नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज, नेचुरल फाइबर वह है जो प्लांट और एनिमल से डिराइव किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। नेचुरल फाइबर आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, नेचुरल फाइबर को हम दो वर्गों में बांटते हैं, एक को कहते हैं प्लांट फाइबर, दूसरे को कहते हैं एनिमल फाइबर। द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर, वैसे फाइबर जो प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं उसे हम प्लांट फाइबर कहते हैं, जैसे कॉटन, जूट, फ्लैक्स, हेम, क्वायर, सीसल, इटीसी, ये सारे कॉटन, ये सारे प्लांट फाइबर हैं। द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर, वैसे फाइबर जो एनिमल से हम प्राप्त करते हैं उसे हम एनिमल फाइबर कहते हैं, जैसे सिल्क, जो सिल्क मॉथ से आता है जिसे मलबरी के पेड़ पर पाला जाता है और सिल्क मॉथ से सिल्क का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। उसी तरह ऊल, भेड़ों को पाला जाता है, बड़े पैमाने पर भेड़ों को पाल करके ऊल का उत्पादन किया जाता है। अब आप लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर, द फाइबर दैट आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, वैसे फाइबर जो मानव के द्वारा केमिकल्स की सहायता से बनाए गए, प्रोड्यूस्ड बाय फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंसेस, जिनका निर्माण केमिकल सब्सटेंसेस के उपयोग से किया गया, यूजिंग केमिकल मेथड,
रासायनिक तरीके से जिसका निर्माण किया गया मानव के द्वारा, ऐसे फाइबर को हम सिंथेटिक फाइबर और मैनमेड फाइबर कहते हैं। इसके एग्जांपल हो गए नाइलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ये सारे उदाहरण हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या इम्पोर्टेंस है नेचुरल फाइबर का, क्यों उपयोगी है नेचुरल फाइबर। इसमें नेचुरल फाइबर में पहला हम लोग पढ़ेंगे कॉटन का, जिसको हिंदी में हम लोग कपास कहते हैं। कॉटन की खेती 3 राज्यों में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा की जाती है। कॉटन की खेती के लिए बहुत अधिक काली मिट्टी की जरूरत है, ब्लैक सॉइल की जरूरत है, जिसे रेगुर भी कहते हैं। साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में इस पानी की जरूरत होती है। कॉटन प्लांट इज एसरा विच इज यूजुअली ग्रोन इन द रीजन हैविंग ब्लैक सॉइल। कॉटन एक ऐसा प्लांट है जो बूसी प्लांट है, श्रब है, झाड़ीदार पौधा है। ये ऐसे पौधा है जो वैसे क्षेत्रों में उगाया जाता है कॉटन जहाँ की मिट्टी काली होती है और जहाँ वार्म क्लाइमेट, गर्म जलवायु होती है। इट नीड्स ए फेयर अमाउंट ऑफ इरिगेशन टू ग्रो वेल, और अत्यधिक मात्रा में इसको पानी की जरूरत होती है, इसलिए वर्षा भी अत्यधिक होनी चाहिए। वैसे क्षेत्रों में कॉटन का उत्पादन होता है। इन इंडिया कॉटन इज मोस्टली ग्रोन इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। भारत में मुख्यतः 3 राज्य हैं जो प्रमुख उत्पादक हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। इन राज्यों में के अलावा तमिलनाडु में भी, कर्नाटक में भी, आंध्रा में भी थोड़ी बहुत मात्रा में कपास का उत्पादन किया जाता है। कॉटन प्लांट बियर ए लार्ज नंबर ऑफ ए स्मॉल ग्रीन पॉड्स कॉल्ड कॉटन बॉल्स। कॉटन प्लांट कपास का पौधा जब बड़ा हो जाता है तो इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे हरे हरे पॉड्स निकल आते हैं, इनको हम कॉटन बॉल्स कहते हैं। जब ये दैट है ब्लैक सीड इन साइड देम, इनके अंदर कॉटन बॉल्स के अंदर काले काले बीज होते हैं। वेन द कॉटन बॉल्स मैच्योर, जब कॉटन बॉल मैच्योर हो जाता है, पक जाता है, तैयार हो जाता है कपास का पौधा, तो कॉटन बॉल्स मैच्योर हो जाते हैं और ये ऑटोमेटिक ब्रस्टिंग होता है। ऑटोमेटिक ब्रस्टिंग के द्वारा ये द ब्रस्ट एक्सपोजिंग द व्हाइट फाइबर ऑफ द कॉटन। पूरे खेत में कपास की खेती जहाँ होती है, जब कॉटन प्लांट मैच्योर हो जाते हैं, ऑटोमेटिक ब्रस्टिंग के द्वारा पूरे खेत में रुई कपास रुई फैल जाता है। कॉटन फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय द प्रोसेस ऑफ गीनिंग। गीनिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा गीनिंग बड़े बड़े आयरन के कंघी के जैसे आयरन होते हैं, इनसे क्या करते हैं, कॉटन सीड को हम कॉटन फाइबर से, फाइबर और कॉटन सीड को गीनिंग के सहारे अलग करते हैं। कॉटन इज यूज फॉर मेकिंग ए वेराइटी ऑफ टेक्सटाइल, और इस प्रकार कॉटन कपास से अनेक प्रकार के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। इसमें एक मेथड है गीनिंग, जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। गीनिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें कॉटन सीड को कॉटन फाइबर से अलग करते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द कॉटन सीड बाय कंबिंग। अरे कंघी के जैसी आकृति होती है जिसे हम गीनिंग कहते हैं। इस कंघी के जैसी आकृति से हम कॉटन सीड को कॉटन फाइबर से अलग करते हैं। ट्रेडिशनली गीनिंग वॉज डन बाई हैंड। प्राचीन काल में लोग, जब विज्ञान की इतनी प्रगति नहीं हुई थी, तो लोग प्राचीन काल में हाथ से ही कॉटन के फाइबर को, रुई को और कॉटन के बीज को अलग अलग करते थे। लेकिन ऑन ए लार्ज नंबर स्केल, ऑन ए लार्ज स्केल गीनिंग इज डन बाय द मशीन कॉल्ड गीन्स। लेकिन बड़े पैमाने पर कारखाने में जहाँ पर वस्त्र बनाए जाते हैं, वहाँ पर बड़े पैमाने पर गीनिंग मशीन का इस्तेमाल करके कॉटन फाइबर से कॉटन सीड को अलग किया जाता है। द गीन कॉटन इज मेड इन टू कम्पैक्ट बंडल नॉन एज बेल्स। जब कॉटन और कॉटन सीड और कॉटन फाइबर अलग कर दिया जाता है तो उसको बंडल बना दिया जाता है, जिसको बेल्स कहते हैं। बंडल बना के उसको बांध दिया जाता है। आगे लिखा है वंस द बेल्स आर शिफ्टेड टू द फैक्ट्री, और जब बंडल बना दिया जाता है तो बंडल को कारखाने में भेज दिया जाता है। उससे कॉटन यार्न बनाया जाता है और कॉटन यार्न से कॉटन फैब्रिक बनाए जाते हैं। द यार्न इज देन वीवन टू मेक द कॉटन फैब्रिक, और इस प्रकार सूती वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। अब हम लोग इसमें अगले नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, जूट के बारे में, जो अगले वीडियो में हम लोग